सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान चंडीगढ़ की तरफ से भारत पाकिस्तान सीमा पर व्यवस्था को लेकर वार्षिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर योगेश बहादुर खुरानिया ने 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल को 25 बटालियनों ने एक साथ सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में स्थापित किया था। अब यह बल भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत सीमाओं पर 65,000 से अधिक बहादुर पुरुषों और महिलाओं की ताकत के साथ एयर विंग, वाटर विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट समेत दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के रूप में विकसित हुआ है। विशेष महानिदेशक ने बताया कि वर्ष 2023 में बीएसएफ ने विभिन्न अभियानों के दौरान कुल 755 किलोग्राम मादक पदार्थ, 15 राइफलें और 38 पिस्तौल जब्त किए हैं और इसके अलावा 36 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पर 9 पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेअसर किया है। साथ ही 95 ड्रोन भी बरामद किए हैं। सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रत्येक वर्ष हमारे रेजिंग डे के अवसर पर एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जाता है और उस समय में आप सभी के साथ हमें एक इंटरेक्शन करने का मौका। उसी मौके पर मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 में स्थापन हुआ था। उसमें 25 बटालियन डिफरेंट बॉर्डरिंग स्टेट्स की आर्म पुलिस से ये इस बल का शुभारंभ हुआ था। आज की तारीख में सीमा सुरक्षा बल 193 बटालियन, 2,65,000 सभी रैंक्स के साथ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर मुतयन है। उसके साथ साथ गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इंटरनल सिक्योरिटी की जहाँ भी हमें ड्यूटी दी गई है वहाँ पर भी मुतयन है। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी नक्सल ग्रिड में छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, इन दो जगह में भी सीमा सुरक्षा बल की मौजूदगी है।